हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और बीपीएससी 3 यानी कि बीपीएससी टीयर 3 को लेकर के जो जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन सब पर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। और आज जो आप बोल सकते हैं न्यूज़पेपर में कुछ अपडेट्स आए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या चीजें देखने को मिल सकती है उस पर हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा आप लोगों के सामने कि देखो एक में अपडेट आया है कि 70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन इसी माह यानी कि ये आज का न्यूज़पेपर है, 1 फरवरी की बात कर रहा हूं, 1 फरवरी को ये न्यूज़ आप लोगों के सामने आ रहा है यानी कि इस महीने में आपका आ सकता है। और डेट की बात करूं, अगर मैं डेट की बात करूं तो उम्मीदता है कि ये 15 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है ना। और साफ साफ लिखा गया 70,000 पदों के लिए जो तीसरी चरण है हमारी यानी कि जो हमारा बीपीएससी टीयर 3 है उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। तो ये एक पहला न्यूज जो कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। एक और न्यूज है जो इस पर काफी ज्यादा इस आर्टिकल को काफी तवज्जो देती है। उससे पहले आपको मैं यहां पर एक चीज और दिखा दूं कि आप देखोगे तो यहां पर जो सप्लीमेंट्री के लिए भी वेट कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री क्या आएगा तो उसकी संभावना ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब आप डिटेल में देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है जो रिजल्ट के लिए पेंडिंग बचा हुआ है 15,000 पोस्ट उसको भी जो दूसरे चरण पर खाली रह गए हैं उनको भी तीसरे चरण में जोड़ करके निकाला जाएगा। मतलब ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे इसकी संभावना इन्होंने खत्म कर दी है। तो जो हमें कयास लग रही थी कि क्या सप्लीमेंट्री आ सकता है तो शायद नहीं आएगी आपकी सप्लीमेंट्री और ये डायरेक्टली तीसरा चरण यानी कि जो टीयर 3 है डायरेक्टली यही निकालेंगे और इसी से आपका एग्जाम ले लेंगे। पॉइंट ये कि क्या मार्च में होगा, उम्मीद है। एक और आर्टिकल आपके सामने मैं रखता हूं सामने, आप ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारे काम का झूठा श्रेय ले रहे हैं लोग। अब झूठा श्रेय कौन ले रहे हैं तो इन्होंने भाई सिंपली कहा है कि जो राहुल गांधी है, तेजस्वी जी हैं, ये डायरेक्टली हमारे जो काम यानी कि इन्होंने जितने भी टीचर्स की अभी तक नौकरी लगी है, अगर मैं बात करूं 2023 की तो अराउंड इनके हिसाब से लगभग 2 लाख से ज्यादा टीचर्स इन्होंने बनाए हैं, ठीक है ना। बिहार में 2 लाख से ज्यादा टीचर बने। अब इनका कहना है कि भैया ये हमने बनाया है, तेजस्वी जी या फिर राहुल गांधी नहीं बनाया। और जैसा बिहार में लोगों को लग भी रहा है कि शायद ये तेजस्वी एंड राहुल गांधी जी के सिनेरियोस की वजह से, उनके साथ की वजह से ये नौकरी आई है, इनको ऐसा फील हो रहा है। अब चूंकि इनको ऐसा फील हो रहा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आचार संहिता लगने से पहले आप लोगों का बीपीएससी टीयर 3 की नोटिफिकेशन आ जाएगी, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। जी हाँ, अब मैं खुल के डायरेक्टली बोल रहा हूं आपको कि बीपीएससी टीयर 3 की एग्जाम मार्च में होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ठीक ना। मार्च में होगा या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो फिक्स है कि जो नोटिफिकेशन है आपका वो आपका फरवरी में आ जाएगा। जी हाँ, ये पूरे आसार हैं कि फरवरी में आ जाए क्योंकि इसके बाद तो भैया मार्च में आचार संहिता लग जाएगी तो ये निकाल भी नहीं पाएंगे। तो एक सिंपल सा चीज, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं बस शुरू हो जाओ। जी हाँ, मैं खुल के बोलूंगा कि अब शुरू हो जाओ क्योंकि शायद अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास गिन चुन करके 1 से 1.5 महीना, मुश्किल से 2 महीना, बस इतना ही समय बचा है तो अब शुरू हो जाओ। और जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की है अभी भी डिले नहीं हुआ है क्योंकि न्यू बैचेस हमारी ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, ठीक है ना। चाहे मैं बात करूं अकाउंट्स की, चाहे ईपीएस की, चाहे बीएसटी की, तीनों की क्लासेस गोइंग ऑन है जिसमें आपको वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट तीनों चीजें मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा 120 मार्क्स इसमें कवर करेंगे हम लोग क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे प्रैक्टिस करेंगे उतने चांस ऑफ सक्सेस आपके इंप्रूव होंगे। और अभी जो कोर्सेज की फी है उसमें जो एडिशनल 10% का डिस्काउंट था वो कंटिन्यू है, तो ये 3149 रुपए लग रहे हैं वही आपके लगेंगे। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस बात की पूरी आसार है कि जो आपका बीपीएससी है ये फेब में आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा, ठीक है ना। और जो एग्जाम है वो पॉसिबिलिटीज है कि वो मार्च में ले भी लेगा, ठीक है ना, मार्च में एग्जाम अपना ले भी लेगा। तो इस बात के पूरे आसार हैं। तो इसीलिए फोकस अच्छे से करें क्योंकि जितना ज्यादा आप फोकस में रहेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप फोकस पर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। तो देर नहीं करना है, फटाफट जाओ,
अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, अगर आप ऑलरेडी पहले से कोर्सेस में हैं तो रिवीजन कीजिए। जी हाँ रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दो महीने हर बार हुआ ना बीपीएससी 1, बीपीएससी 2, बीपीएससी 3 तीनों में भैया मुश्किल से आपको 1.5 से 2 महीने का समय मिला, इस बार भी वही होने वाला है। ठीक है तो शुरू हो जाइए, कितनी सीटें आएंगी, किस पे क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, इसके लिए आपको 15 फरवरी बाद का वेट करना होगा। बट हाँ संभावना यही है जो चीजें अभी दिख रही है हमें यहाँ पर, इसके हिसाब से तो भैया हाँ आपकी एग्जाम फरवरी में, सॉरी नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाएगी, ये चीज तो क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है तो और भी कुछ अपडेट्स आती है डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, तब तक के लिए प्रॉपर स्टडी कीजिए, आप सभी लोगों को राधे राधे।